हेलो वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं निदा और मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूं, अगर आप कंसीव करना चाहती हैं, कोई भी लेडी अगर प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है तो उनके लिए ये जानना बेहद ज़रूरी है कि वो क्यों नहीं हो पा रही है। आप एक गलती ज़रूर करती हैं जिसकी वजह से आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आज आपको एक गलती के बारे में बता रही हूँ जो आपको नहीं करनी है अगर आप कंसीव करना चाहती हैं। तो जो भी लेडी कंसीव नहीं कर पा रही है और कंसीव करना चाहती है, बेबी माँ बनना चाहती हैं, तो उनके लिए ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि वो क्या गलती है जिसकी वजह से वो माँ नहीं बन पा रही हैं। तो फ्रेंड्स आइए चलिए शुरू करते हैं, क्या कारण है जिसकी वजह से आपको प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम होती है। तो फ्रेंड्स प्रेगनेंसी के लिए ओवुलेशन होना बेहद ज़रूरी है। ओवुलेशन सभी को पता होगा कि ओवुलेशन आपका कब होता है, तो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ ओवुलेशन टाइम कब होता है। ओवुलेशन टाइम जो होता है आपका पीरियड होने के, जो पीरियड की डेट आपकी ख़त्म हो जाती है उससे 15 दिन के बाद आपका ओवुलेशन टाइम स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप उस टाइम पर इंटरकोर्स करती हैं तो आप कंसीव जल्दी कर लेती हैं। तो पहला तो हमारा हो गया ओवुलेशन। दूसरा ओवुलेशन का मैंने आपको बता दिया है, ओवुलेशन जब होगा आपका टेम्परेचर उस टाइम पे हाई हो सकता है और आपको क्या होगा, आपको वीकनेस भी फील हो सकती है, तो आप आसानी से पहचान सकती हैं कि आपका ओवुलेशन टाइम चल रहा है और आपको उस टाइम पर हल्का सा वाइट डिस्चार्ज भी होता है। ओवुलेशन का मतलब होता है अंडे का बनना। ओवुलेशन टाइम पर आपकी बॉडी में एग बनता है, तो अगर उस टाइम पर आप इंटरकोर्स करती हैं तो आप जल्दी कंसीव कर लेती हैं। तो ये सभी जानती होंगी कि इंटरकोर्स अगर उस टाइम पर किया जाए तो आप जल्दी प्रेग्नेंट हो जाती हैं। लेकिन आप फिर भी प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप उस टाइम पर इंटरकोर्स कर रही हैं फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, तो एक छोटी सी गलती है हेयर वॉश। देखिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको हेयर वॉश नहीं करना है। यानी कि ओवुलेशन का टाइम जो होता है, आपको पता ही है कि आपके पीरियड जो है पीरियड से 15 दिन के बाद आपका ओवुलेशन टाइम लग जाता है, तो उस टाइम पर आपको हेयर वॉश नहीं करना है। वो क्या वजह है, क्यों आपको नहीं करना है? क्योंकि अगर उस टाइम पर आप हेयर वॉश करती हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है कंसीव करने में। वो किस लिए कि ओवुलेशन टाइम पर आपने कंसीव कर लिया, आपको कंसीव हो गया है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ज़रूरी है ओवुलेशन के बाद ओवुलेशन में एग बनता है। अगर आपने हेयर वॉश कर लिया तो आपका क्या होगा, वो क्या होता है मेडिकली मैं बता दूँ, जो हमारे सर की नसें ये होती हैं, सब सारा सिस्टम यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे कि आपका एग बिल्कुल ख़राब हो जाए, एग ख़राब हो जाएगा और वो जो है आपकी ओवरी में ले जा पाएगा जहाँ पर इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से आपको जल्दी पीरियड आ जाएंगे और आप कंसीव नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो ओवुलेशन के टाइम से लेकर अपने पीरियड के टाइम तक बिल्कुल अपना हेयर वॉश ना करें, जो आपका पीरियड डेट है उस तक टाइम तक हेयर वॉश ना करें। और जब आपका ये पक्का हो जाए, कंफर्म हो जाए कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आपने टेस्ट कर लिया, उसके बाद आप अपना हेयर वॉश करें। तो फ्रेंड्स ये गलती भूलकर भी ना करें। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी और इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। कुछ कोई पूछना चाहें तो मुझसे।